नमस्कार, कृष्ण मेमोरियल हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्याली ताके से। हमारा आज का विषय है डिलीवरी। जब महिलाएं गर्भ धारण करती है तो उन दिनों में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, यह जानकारी आज हम आपको उपलब्ध कराएंगे डॉक्टर श्याली ताजने के माध्यम से। नमस्ते, मैं डॉक्टर साइली ताजने, आपको मैं गर्भावस्था से संबंधित कुछ जानकारी देने के लिए यहाँ पे आई हूँ। जब किसी स्त्री को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तब उसे तुरंत हॉस्पिटल में जाना चाहिए, ये कंफर्म करने के लिए कि क्या वो प्रेगनेंसी सही में पॉजिटिव है। दूसरे या तीसरे महीने तक नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। एक सोनोग्राफी आपकी शुरुआती सोनोग्राफी होती है, जिसमें बच्चे की धड़कन आई है, क्या आपको एक ही बच्चा है या जुड़वा बच्चे, या आपको कोई और अन्य बीमारी या एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। हर प्रेगनेंसी में कम 4 सोनोग्राफी होनी चाहिए, एक शुरुआती प्रेगनेंसी, एक 5वें महीने में, एक 7वें में और एक 9वें महीने में। आपको पूरी प्रेगनेंसी में हर महीने अस्पताल जाके चेकअप कराना चाहिए, जिसमें आपका वजन कितना बड़ा है, आपका बीपी कैसा है, बच्चे की धड़कन कैसी है, बच्चे की हलचल कैसी है, इसकी जानकारी आपको व आपके डॉक्टर को पूरी तरह होनी चाहिए। 9वें महीने में हम हर 15 दिन में चेकअप करेंगे। उस चेकअप में बहुत महत्वपूर्ण चीजें पता चलती है, जिनसे बच्चों की जान को हम बचा सकते हैं। अभी हम अन्न ग्रहण के बारे में बात करेंगे। बहुत लोगों के ऐसे विचार होते हैं कि कुछ अन्न शरीर के लिए गर्म, कुछ ठंडे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कुछ पदार्थों को छोड़ के बाकी सारी चीजें खा सकते हैं, जैसे कि पपीता ना खाएं, बेसन की चीजें ना खाएं, तली हुई ना खाएं, बाहर की पैकेट से आने वाली चीजें तो कतई ना खाएं, बारिश के मौसम में वगैरह बाहर का खाना पूरी तरह अवॉइड करें। इस तरह से आप अपनी प्रेगनेंसी को परिपूर्ण बना सकते हैं और हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाने की आदत डालें, ताकि बच्चे को 2400 घंटे पूर्ण पोषण मिलता रहे। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल था, जैसे 9 महीने अमुक महिला को हो गए हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? जैसे मैंने कहा, 9वें महीने में 15-15 दिन में चेकअप होता है, उस समय आपकी डॉक्टर चेक करेगी आपको। अगर उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो वो आपको उस तरह से एडमिट होने बताएगी, पर आपकी अगर तारीख आ गई है और तभी भी आपको दर्द नहीं आए हैं तो आपको अस्पताल में जाके एडमिट होना ही चाहिए। कुछ डेंजर साइंस है, खतरे के साइंस बोलेंगे हम, जैसे कि कमर में बहुत ज्यादा दर्द होना, पानी जाना, खून जाना, या फिर आपको बच्चे की हलचल कम महसूस होना। अगर माता को लगता है कि हलचल कम हो रही है तो उसे तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, इन्हीं तरह के चिकित्सा संबंधित विषयों पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक डिलीवरी संबंधित था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।